वाइट जैसे बुझाता हूँ, एक के झापर मरम साले पार्टे में हक देबो। इंस्पायरिंग करत रहन वाइट दे सरवा। अब मुने जो तू जो रेल के, अब मुना रेल के, यहाँ पे खतरा हो सकता है और यहाँ पे हम सुगर सुगर जी तो जाइए पोस मराइए। छूटल साले अंकल छूटल। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, वो वीडियो है मनी मेराज का। मनी मेराज का वीडियो है, वीडियो तो मान लिया जाए कि आपने शायद कभी देखा होगा, लेकिन मजा ऐसी वीडियो में इतना ज्यादा आता है ना कि पूछवे मत करो, बार बार देखने का मन होता है। इसी तरह आज भी ये वीडियो पर हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं और हम सब आदमी, दोनों आदमी साथ मिलकर के इस वीडियो को देखेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कितना ज्यादा मजा आता है। कचरा कटार करके, मेकअप फटियार करके, हर तरह का मजा इसमें आने वाला है। इसमें राउंड क्या बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, लंडवा भी है इसमें, और भूवर भोसरी वाला भी होगा, भोसरी वाला क्या बोलते हैं वो भी है इसमें, और भी आपको तरह तरह का इसमें देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा मजा आने वाला है, आप पूछवे मत करो जिस तरह इतना मजा आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैटिंग के लिए आ चुके हैं छपरा से मनी मिराज, और एक प्लेयर का नाम जानना चाहेंगे जी। भुवर घोष सर। क्या भुवर? अरे भुवर घोष सर। भुवर घोष सर? अच्छा भुवर घोष सर। हां चलिए, भुवर घोष सर जी आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, और यहां पे बैटिंग करने के लिए मनी मिराज तैयार। और ये रवि रंडवा की पहली गेंद, और इसे मार दिया है मनी मिराज ने 1 रनों के लिए। और ये रवि रंडवा की दूसरी गेंद, सामने भुवर घोसर, और भुवर घोसर को दिया चकमा। रवि रंडवा की अगली गेंद, और सामने भुवर घोसर, और इसे भुवर घोसर ने उठा के मार दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 6 रन। रंडवा की अगली गेंद, सामने भुवर, भुवर ने गेंद को ढकेला और यहाँ पे रन चुराने की कोशिश। और यहाँ पे खतरा हो सकता है, और यहाँ पे भुवर घोसर जी तो जाइए पोस मराइए। बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं मुन्ना। लुकुर लुकुर मत दौड़ी, आराम से खेलिए, चल तू अपना काम कर। की अगली गेंद, सामने बैट्समैन मुन्ना, मुन्ना बॉल को मारने से यहाँ पे चुके। रंडवा जी का अगला गेंद मुन्ना के लिए, और फिर से यहाँ बीट कराने में सफल रहे, और यहाँ ओवर की समाप्ति। और यहाँ पे ओवर समाप्त हो चुकी है, और पहले ओवर की समाप्ति पे 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। देखिए ये वीडियो को, ये एम्पायर को धमकाने वाला काम कर रहा है मनी मिराज, समझे ना? मनी मिराज को तो आप लोग जानते हैं, बहुत ही बड़ा अजीब टाइप का, थोड़ा सा मतलब छिनाल छिनाल बोलते हैं कि, मतलब कॉमेडी मडी कुछ भी बोलिए, वो छिनाल ये छिनाल है। एम्पायर को डराने का काम कर रहा है, बताइए तो। अब देखिएगा एम्पायर का कैसा होता है, देखते हैं। एम्पायरिंग कर दो, बात ना करवा। वाइट बॉल। क्या देख रहा हूँ, एम्पायर गुड्डू गणासी जी के द्वारा वाइट का डिसीजन दिया गया है, तो एक बॉल और डालनी होगी रवि रंडवा जी को। और आप सबको मानना पड़ेगा। चला रही भाई चला, किसी अपने से देख भी करा जाए, साला झाड़पुर के एम्पायर भेज दे। और यहाँ पे अगली गेंद, और कोई नहीं, छोटा हाथी जी आप जाइए, आप इंपायरिंग कीजिए। और सुनिए, कोई कुछ बोलेगा तो झगड़ा वगैरह नहीं कीजिएगा, बस उसके देवा पे खाली आप गिर जाइएगा, साला ऐसा ही पचा दीजिए। चले चले बॉल कराइए, देखते हैं कौन साला क्या बोलता है।
पहले से तू को मोटा के साइले है, तू बॉल लगाएगा। एंड्रा की आखिरी गेंद और सामने मुन्ना। मुन्ना ने इस गेंद को उठा के मारा है सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। रणवाजी छपरा कपरा फाड़ने वाली कपरा। अगले बॉलर आए हैं काजू कसाई जी। काजू कसाई जी अपने देखिए रणवा जी कपड़ा फाड़ देवेला छपरा, तो कपड़ा ऐसे फटेला ऐसे फटेला साला ऐसे ऐसे का फटेला भाई, समझता रहा मणि मिराज के बारे में आगे देखा जा रहा। पर की पहली गेंद लेके चले सामने मणि मिराज। मणि मिराज ने इस गेंद को हल्का सा धक्का दिया और अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके चले काजू कसाई और सामने मणि मिराज फिर से अरे दुकान से धक्का दे रहे हैं। वाह क्या बात है। काजू कसाई की अगली गेंद सामने मणि मिराज। इसे सौरभ का खेले रन लेने के लिए दौड़े, मणि मिराज ने मना किया, कोई रन नहीं आया। बहुत रन बनाए गए, बहुत रन बनाए गए। कसाई की अगली गेंद सामने मणि मिराज। मणि मिराज ने गेंद को ढकेला और यहाँ पे एक रन लेने की कोशिश और यहाँ पे रन को पूरा भी किया माइकल मुन्ना के लिए अगली गेंद और इस गेंद पे बोल कर दिया है सीधे काजू कसाई ने। सर जो मार फाड़ के खेल और जो दोगला आदमी के ओपनर भेजने वाले और यहाँ पे अगले बैट्समैन आ चुके हैं, इनका नाम सैफ है और यहाँ पे बाइक का हेलमेट लेके आए हुए हैं। क्या बात है। और ये अपना हेलमेट अब लगा रहे हैं माथे में और ये अपने सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हुए लग रहा है कि काफी आक्रामक मूड में आए हुए हैं। इसी बीच ये विशाल बेसिया की पहली गेंद और विशाल बेसिया की पहले गेंद को इन्होंने उड़ा दिया है सीधे हवाई फायर। छक्का फिर से छक्का और एक छक्का और यहाँ पे विशाल बेसिया की अगली गेंद और ये गेंद लगता है कि वाइड है। अरे वाइड है, वाइड दीजिए। सही बात काजी कहो तो सर ले व्हाइट बॉल के लिए कौन ही व्हाइट दीजिए साला मारे के धमकी देता साला मत बोले क्रिमिनल लिख लगा साला देखते डर लगा परना मत जा रे सर अरे घूम मैं घूम विशाल बेसिया की अगली गेंद भी तेज गेंद और जाके लगा पेड़ू पे और यहां पे सिवान के बॉलर ने छपरा के कप्तान का पेड़ू फाड़ दिया है। और यहाँ पे बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं मोहित माधर। नहीं नहीं मोहित माधर सिर्फ माधर जी आगे मत बोलिए समाज पे असर पड़ेगा। अच्छा मोहित माधर, मोहित माधर क्षमा चाहते हैं आपसे। बॉलिंग करने के लिए आ चुके हैं गुड्डू गांडवा और इनकी पहली गेंद माधर ने उठा के मारा है सीधे 6 रन। गांडवा की अगली गेंद सामने माधर और गांडवा ने सीधे आउट कर दिया है मोहित को। गुड्डू गांडवा की अगली गेंद सामने रंजन। रंजन ने उठा के मारा है सीधा 6 रन, फिर से 6 रन और यहाँ आउट। अगली बॉल लेके चले काजू कसाई सामने भैसा। भैसा के गांड पे लगा बॉल बहुत जोर से। अगली ही गेंद पे भैसा आउट और इसलिए आउट होकर चल दिए भैसी के पास। जा सरो जा ए बरबार सरो पूरा खिलवा कर। और यहां पे छपरा की टीम ने अपने सभी विकेट खो के बनाए हैं 85 रन और सिवान को जीतने के लिए चाहिए 86 रन। और साला उतना क्या कथी कोई लगा साला जाके मूर्ति ले खड़ा रहा साले छपरा की इज्जत बचा के आता नहीं चल। एक रन मार के इज्जत बचाएगा एक रन साला एक रन की कीमत नहीं कीमत साला सब धरा धरा आउट होके चले ले यार। हम साला स्पिनर रखे खड़ा रहने समझ ले हमरा एक आरा को सर आउट कर दे। ए चल बहुत बढ़िया काम कर लिया चल पहले फील्डिंग कर देख रन कम बनल बा फील्डिंग पूरा टाइट होके के चाहिए ठीक है ना बोल हम देख रहे हैं एकदम टाइट होना चाहिए फील्डिंग लेकिन एको छक्का पिटा गए तो अगला बार से बॉल लगे दे तेरी हमारा पे भरोसा रहा हम जोरा मेरे से बैटिंग के लिए वो मेरे से बॉलिंग भी कराऊ ना रन मार लिया ना रन दे हम। चलो यहां पे पहला ओवर लेके आ चुके हैं मणि मिराज बिल्कुल अलग अंदाज में और ये पहला गेंद काजू के लिए। काजू ने इसे उठा के मारा सीधे 6 रन।
लेके चले अपनी दूसरी गेंद सामने, फिर से काजू का साई और काजू ने उठा के मारा है फिर से 6 रन। बिल्कुल अलग अंदाज में मणि मिराज यहाँ बॉलिंग करते हुए पीछे अगली गेंद काजू के लिए, काजू को यहाँ बीट कराया फिर से, यहाँ कोई रन नहीं। अपने ओवर की पहली गेंद लेके चलेंगे सैफ सामने, रियाज, रियाज उठा के मारा है सीधा 6 रन और फिर से बॉल फेंका और फिर से 6 रन। फिर से अगली बॉल लेके चलेंगे सैफ सामने, रियाज, रियाज ने फिर से उठा के मारा है और यहाँ पे कैच पकड़े लेकिन बाउंड्री के बाहर 6 रन। गौरव को सर लेके चलेंगे पहली गेंद और यहाँ पे काजू को कर दिया सीधा क्लीन बोल्ड। लेके चले अपने ओवर की दूसरी गेंद सामने, लड़धारी, लड़धारी ने उठा के मारा है सीधा 6 रन। वो सर अपनी अगली गेंद लेके चले सामने, लड़धारी, लड़धारी को सीधा चला के उजर कर दिया है यहाँ। विशाल कैसे अभी यहाँ पे आउट हो चुके हैं। वो सर की अगली गेंद सामने कंडवा और यहाँ पे स्टंप आउट किया। बकरी बटरू सारा चर्बियान बकरी है, चर्बियाई एक चुस्ता खाए में मजा आ जाता। अब देख केकड़ भाग में लिखल और यहाँ पे इनाम के तौर पे आ चुका है बच्चा सहित बकरी और इस चर्बियाल बकरी को देंगे मोहम्मद रोजिन जी। अच्छा इधर रन बचा रहा खाली साला से छक्का चुका पीटा था, देख ले भोरा के अब तेरे 4 विकेट गिर रही है। अरे साला कप्तानी कर ले भाई, मालूम साला हाई कर लूटवा एक ओवर में 27 रन पिटा रहा हुआ आप फिर देले बोल करा वेला है खतरों खाली मनी मेरा भरोसा ना लावड़ा के खिलाड़ी पर। ए चल पहले फील्डिंग कर, अगली बॉल लेके चलेंगे सैफ सामने, रियाज प्रेमी, रियाज प्रेमी ने मारा है और ये सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। रियाज प्रेमी के लिए अगली बॉल और यहाँ पे इन्होंने उठा दिया है मैदान की रियाज प्रेमी काफी निराश होकर पवेलियन लौट रहे हैं और यहाँ पे जो अगले बैट्समैन है वो सिवान के कैप्टन है आरिफ राजा। आरिफ राजा काफी धुरंधर बैट्समैन है, सैफ अगली बॉल को लेकर चल दिए हैं सामने, आरिफ राजा, आरिफ राजा सीधे मार दिया बॉल को यहाँ पे 6 रनों के लिए। अगली बॉल लेके चलेंगे फुवर्ड बोसर, फुवर्ड बोसर के सामने आरिफ राजा, आरिफ राजा ने इस बॉल को थोड़ा सा घुमा दिया और यहाँ पे रन आउट कर दूसरा इज्जत। अधिक रहा
रे तेरी मारत है दाम का करियो रे। अगली गेंद इसे भी उठा दिया है सीधे 6 रनों के लिए। ओवर की चौथी गेंद देखते हैं इस पे आरिफ राजा क्या करते हैं। और यहाँ पे काफी लंबा उठा दिया है, इसे मैं छक्का नहीं कहूंगा, छपरा का पूरा इज्जत गया। अब मनी में आ जाइए और बेइज्जती के साथ ये बकरी और ये पटरू लेके जाइए। तो इस मैच को सिवान ने जीत लिया है और ये देख सकते हैं काफी लंबा कप है जो हमारे एम्पायर छोटा हाथी जी के द्वारा दिया जाएगा उनके कैप्टन को। और एक काम कीजिए, ये अब किसी काम का नहीं है, ये ले जाइए आप लोग अपने कार में डाल लीजिए। मनी मेरा जी आपसे ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं था, लेकिन आप बहुत अच्छा काम किए हैं कि आपने बकरी के लिए इज्जत गवा दिया। तो चलिए आप अपने इन्हीं हाथों से रोजी जीत दीजिए खूंटा और रस्सी। लीजिए बकरी, आपको बकरी बधाई हो, बकरी पटरू दोनों बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए और लेके जाइए, इज्जत से तो आपको कोई मतलब नहीं है, जाइए ले जाइए बिरयानी बना के खाइए। आज हमारा घर है बकरी के लेड़ी और फेफरा भुजाई फेफरा। भैयो हमरी को दावत हो तोरा घरे, मार कुटा के दादा तोड़ दे हम साले, दावत खेन साले हमारा घरे साले, इतना मेहनत से चारों छाके पिटेनी साला, वो लास्ट वाला छाका जब जस्ती में रोइनी दावत खेन। हां बकरी का मीट लड़िया चुस्ता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि अगर आप इसका ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का और भी वीडियो देखना ते रहे। वीडियो में तो मजा जरूर आया होगा जहां तक की उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि मजा तो आना ही है यार। कॉमेडी इंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो दिया जाता है।